Hi, welcome back to the question and answer series of Sayam. Thank you so much for your love. Thank you so much for watching the video and sharing your queries and concerns in the comment section. आपने जितने भी questions raise करे हैं, उनमें से कुछ questions का answer आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे maximum लोगों को benefit हो सके। हमारे इन videos से अगर आपको थोड़ी सी भी help मिल रही है, आपके और आपके बच्चे के life में कुछ benefit हो रहा है, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को और पेरेंट्स के साथ जिन्हें जरूरत है एडवाइजेस की, सही डायरेक्शन की, उनके साथ शेयर जरूर करें। सो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों को पॉइंट करना कैसे सिखाएं, प्लीज ये अगले वीडियो में जरूर बताइएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए। बच्चे को पॉइंट करना सिखाना बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे बच्चे जब उन्हें कोई नीड होती है तो हमारा हाथ पकड़कर उस ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं। कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि उन्हें एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। तो पॉइंट करना ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, मगर इस एक्टिविटी को आप एक रोल प्ले एक्टिविटी के माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा सकते हैं। रोल प्ले एक्टिविटी में आप बच्चे को पॉइंट करके चीजों की तरफ दिखाइए। लाइक आप बच्चे को बताइए, दिस इज एप्पल, दिस इज बॉल, दिस इज पिलो, दिस इज बेड। चीजों को सिखाएं जब आप, तो आप उंगली पॉइंट आउट करके बच्चे को सिखाइए। इससे और बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो भी आपके पीछे रिपीट करे। हो सकता है बच्चा अभी नहीं बोलता, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट जब वो आपकी बार बार आपके प्रॉम्प्ट से उसे ये समझ में आने लगेगा कि फिंगर पॉइंट करना जरूरी है। जब बच्चा बहुत ही नीड में है, सपोज उसको पानी चाहिए और आपकी हाथ पकड़ के वो बॉटल की तरफ या ग्लास की तरफ ले गया है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। उसकी फिंगर लेकर बॉटल और ग्लास की तरफ पॉइंट करके बोलिए, पानी। उसी की फिंगर से जब आप उसे बुलवाएंगे तो धीरे धीरे उसे प्रॉम्प्ट मिलने लगेगा कि इस फिंगर से मुझे पॉइंट करना है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो पॉइंट आउट करना बच्चा सीखेगा, दूसरा उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो जस्ट हमें पॉइंटिंग ही नहीं सिखाना है बच्चे को, उसकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है ताकि जैसे बच्चा स्पीच गैदर करे उसके पास शब्द हो बोलने के लिए और उसे एक मोटिवेशन हो बोलने के लिए। डू ट्राई दिस, आई एम श्योर ग्रेजुअली बच्चा पॉइंट आउट करने लगेगा। गिव हिम लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ पेशेंस। All the very best. Thank you. Next question is, Hello sir, मेरी बेटी को फ्लैश कार्ड लर्निंग हो रहे हैं। मैं करा करा के परेशान हो गई हूँ और वो बार बार भूल जाती है। सर प्लीज बताएं कि मैं क्या करूँ। Okay. तो सबसे पहले तो आप परेशान ना हो। कभी कभी होता है कि हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा रेपिटेशंस की जरूरत पड़ती है तब जाके वो सीखते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो और रिपीट करें, पेशेंस रखें। आई एम श्योर धीरे धीरे करके वो जो आप चाह रहे हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कराना, वो होगा। एक चीज आप और ट्राई कर सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडियो विजुअली स्ट्रांग होते हैं, जिनकी लर्निंग की जो नीड है वो ऑडियो विजुअल होती है, जिसके थ्रू वो ज़्यादा जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इसके लिए आप हमारे लर्निंग टू लाइफ नाम का जो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है उस पे ऊपर जाके आप बच्चे के साथ फ्लैश कार्ड्स डिजिटल प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो कि घर के आसपास की चीज़ों, घर के अंदर की चीज़ों से बच्चे को कनेक्ट करेंगी। बच्चे की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ के साथ उसको कनेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी और बच्चा बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाएगा। जब आप डिजिटल फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या गेम्स के थ्रू बच्चे को चीज़ें सिखाएंगे और अगर वो उससे बहुत अच्छे से सीख पा रहा है तो उसके बाद प्रिंटेबल फ्लैश कार्ड्स या प्रिंटेबल एक्टिविटीज़ भी आपको लर्निंग टू लाइफ प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। डाउनलोड करके प्रिंट निकालिए और उसके बाद जो उसने डिजिटली सीखा है उसको पेंसिल और पेपर पे भी आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो फाइन मोटर स्किल्स भी स्ट्रांग होंगे और साथ साथ में बच्चे के कॉन्सेप्ट पक्के भी हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जो आप चाह रहे हैं बच्चे को जिन ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कराना,
बच्चे की वोकैबुलरी पे काम करना, वो बहुत जल्दी ही बच्चा करने लगेगा। सो पॉइंट ये है कि हम लोगों ने हार नहीं माननी है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो हमने दूसरे तरीके पे जंप करना है, लेकिन जो हमने अपने बच्चे को सिखाना है वो सारी चीज़ें इस तरीके से या उस तरीके से हमने सिखानी ज़रूर है। तो ट्राई कीजिए, आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। लर्निंग टू लाइफ टूल के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर एक क्लिकेबल लिंक आपको नजर आ रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम, एक्चुअली मेरा बेटा पहले बोलता था, अभी वो 2 साल 7 महीने का है और उसने बोलना बंद कर दिया है, बस फिंगर्स पकड़कर बात समझाता है, हाइपर एक्टिव बहुत है, कभी मेरा बेटा सुनता है कभी इग्नोर करता है, आई कॉन्टैक्ट भी बहुत कम करता है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद है, व्हाट कैन आई डू, आई एम वेरी वरीड। आई कैन अंडरस्टैंड योर वरी। और सबसे पहले आपकी बातें इग्नोर करता है और सुनता नहीं है, इस सब का मेन रीजन है उसकी हाइपर एक्टिविटी। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट आपका ऑब्जेक्टिव हाइपर एक्टिविटी पर काम करना होना चाहिए। हाइपर एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए हमने डाइट्स में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं। पहले भी इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने थोड़ा डिटेल में डाइट में चेंजेस के लिए बताया है। अभी मैं आपको यहाँ पर आप क्लिकेबल लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि शुगर्स को आप बिल्कुल डाइट से हटा दीजिए या जितना पॉसिबल हो कम से कम कर दीजिए, हाइपर एक्टिविटी में बहुत जल्दी फायदा होगा। इसके अलावा बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए आप हाइड्रोथेरेपी भी यूज कर सकते हैं, अगर घर के आसपास कोई स्विमिंग पूल है तो उसमें, नहीं तो एक छोटा पूल मिलता है बच्चों के लिए जिसमें आप ऑलमोस्ट 3 फीट तक पानी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भर सकते हैं। अगर वाटर प्ले पसंद है बच्चे को तो उसमें रखिए, इनफैक्ट जितना आप उसमें, अभी समर्स हैं, जितना टाइम बच्चा वाटर में स्पेंड कर सकता है अच्छा रहेगा उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। इसके अलावा मसाजेस भी हमने उसमें कुछ बताए हैं, स्पेसिफिक मसाजेस हैं, अगर आप उसको रात में स्पेशली करके बच्चे को सुलाएंगे तो उसको आराम मिलेगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी थोड़ा सा कंट्रोल होने लगेगी और आप देखेंगे जैसे जैसे हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होगी बच्चा आपको अटेंशन पे करने लगेगा। इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट पर हमने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। इसमें स्पेसिफिक टिप्स ये हैं बच्चे की आई कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो जरूर ट्राई कीजिएगा वो टिप्स, आई एम श्योर बच्चे को जल्दी ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर माय सन इज 8 ईयर्स ओल्ड, हिज फादर डजंट गो फॉर स्पीच थेरेपिस्ट, माय सिस्टर इज वर्किंग हार्ड एंड नाउ हिज आई कॉन्टैक्ट इज बेटर विद फैमिलियर्स, ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटिंग व्हाट अदर पीपल से and he is stuck in echolalia, how can we move a step ahead? First of all, hats off to you and your sister. आपका concern और आपके sister की मेहनत है जिसकी वजह से आप आज बच्चे को इस stage पर ले आए हैं जहाँ पे उसका eye contact better हो गया है, जहाँ पे थोड़े थोड़े speech आनी शुरू हो गई है, echolalia शुरू हो गया है। So it take echolalia as a very positive step, क्योंकि इस बहाने बच्चे की स्पीच आनी शुरू हुई है और इकोलेलिया नॉर्मली भी जब बच्चे सीखते हैं बोलना तो पहले वो रिपीट ही करते हैं, तो ये पहला स्टेप है। नाउ अब क्वेश्चन आपका जायज़ है वो ये कि अब इस स्टेप से आगे कैसे ले जा सकते हैं बच्चे को, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो व्हेन यू से बच्चा एक ही चीज़ जो आप बोलते हैं, इकोलेलिया इज समथिंग इन विच व्हाटएवर यू से द चाइल्ड रिपीट्स इट। सो एक एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि दिस इज अ बॉक्स, तो लेट मी टेक दिस बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला दिस इज अ बॉक्स, तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा दिस इज अ बॉक्स। जब कुछ दिन ये बातचीत हो गई, आपने बोला दिस इज अ बॉक्स, बच्चा भी बोल रहा है दिस इज अ बॉक्स, नाउ इज द टाइम टू टेक हिज लर्निंग टू द नेक्स्ट स्टेप। कैसे, अब बॉक्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया बच्चे को कि एक बॉक्स है, नेक्स्ट यू स्टार्ट सेइंग दिस इज अ रेड बॉक्स। अब आप देख रहे हैं आपने धीरे से बच्चे को कलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है इकोलेलिया के चलते। अब बच्चा बोलेगा दिस इज अ रेड बॉक्स। सिमिलरली आप कुछ और कलर के बॉक्सेस भी ले सकते हैं, दिस इज अ ब्लू बॉक्स, दिस इज अ येलो बॉक्स, दिस इज अ ग्रीन बॉक्स, 2-3 कलर लीजिएगा, ज्यादा नहीं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। नाउ सी, जस्ट बाय
यूजिंग द इको ले लिया, आपने कलर्स का कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिया कुछ. तो पहला स्टेप दिस इज अ बॉक्स, सेकेंड स्टेप दिस इज अ रेड बॉक्स. अब उसके बाद हम दो बॉक्सेस को इंट्रोड्यूस करेंगे. वी से दिस इज अ बिग रेड बॉक्स. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ स्मॉल बॉक्स. सो पहले दिस इज अ बॉक्स, देन दिस इज अ रेड बॉक्स, देन दिस इज अ बिग रेड बॉक्स. सो आप देखेंगे जैसे जैसे सेंटेंस लंबा होता जाएगा ना, वो पीछे के जो शब्द है, जो स्टार्टिंग के शब्द थे, उनको छोड़ देगा बच्चा अपने आप. तो पहले क्या बोला था, दिस इज अ बॉक्स, फिर बोला दिस इज अ रेड बॉक्स, तो मोस्ट प्रॉबली बच्चा फिर बोलेगा रेड बॉक्स. फिर बोलेंगे बिग रेड बॉक्स, सो दिस इज अ हट गया वहां से, सो बिग रेड बॉक्स. सो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को लेकर हम बच्चे को कलर, उसके बाद साइज, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो और भी सिखा सकते हैं. आप उस बॉक्स को इनसाइड अ बिग बॉक्स रख सकते हैं, इन द बॉक्स, अंडर द बेड, अंडर द टेबल. सो ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो, और बच्चा रिपीट कर रहा है, वो इकोलेलिया में है. धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके पास कलर का कॉन्सेप्ट आएगा, अप डाउन का, इनसाइड आउटसाइड का, बिग स्मॉल का, तो बिकॉज उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, वो इकोलेलिया से नॉर्मल स्पीच की तरफ प्रोग्रेस कर जाएगा. बिकॉज उसके पास बहुत कुछ है आप कहने के लिए, ही डजंट हैव टू रिपीट जो आप बोल रहे हैं, सिर्फ वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसको. एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब बच्चा इकोलेलिया की स्टेज पर है और जब वो चीजें रिपीट कर रहा है, तो आप एज अ पेरेंट उसको उस उन वर्ड्स को एम्फेसाइज करेंगे जो मीनिंगफुल वर्ड्स है वहां पे सेंटेंस के अंदर. जैसे आपने बोला दिस इज अ रेड बॉक्स, बच्चे ने भी बोला दिस इज अ रेड बॉक्स, यहां पर आपने एम्फेसाइज किस पे करना है, रेड पे और बॉक्स पे. सो यू से दिस इज अ रेड बॉक्स. सो बच्चे के ब्रेन में क्या रजिस्टर होगा, दिस इज अ कम रजिस्टर होगा, रेड बॉक्स ज्यादा रजिस्टर होगा. सो मेक श्योर एम्फेसाइज द राइट वर्ड्स सो दैट ही लर्न्स फास्टर, लर्न्स बेटर. सो कीप ट्राइंग दिस विद योर चाइल्ड, आई एम श्योर द रेगुलर स्पीच विल कम वेरी फास्ट. वी होप आज के वीडियो में आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिले होंगे. अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि हम आंसर कर सकते हैं, तो आप जरूर हमें लिख के भेजिए अपने कमेंट्स में. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने कंडीशन एक्सप्लेन करें तो थोड़ा सा डिटेल में करें, ताकि हम उसे अच्छे से इंक्लूड कर पाए, उन क्वेश्चंस को हम ले पाए. कभी कभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से हम आपके क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. Till then, take care. Bye-bye.